देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के नगर इकाई का आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में नव निर्वाचित पदाधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश से आए आला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अल्मोड़ा में व्यापारों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किए जाएंगे। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल का हमारे अल्मोड़ा इकाई का चुनाव हुआ है, आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और हमारी अच्छी टीम बनी है। प्रसाद जी उसके अध्यक्ष बने हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, सबको शपथ दिलाई है। देखिए, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल का गठन 1994 में हुआ था राज्य आंदोलन के द्वारा, जब सारे व्यापार मंडल राज्य के विरोध में खड़े हो गए थे और बाजार बंद नहीं कर रहे थे, तब देवभूमि उद्योग की स्थापना हुई थी उधम सिंह नगर और देहरादून। और हमारा देवभूमि उद्योग का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम हर आदमी को उपभोक्ता समझते हैं, क्योंकि एक व्यापारी दूसरी दुकान में जाके उपभोक्ता हो जाता है। इसलिए हम नकली मावा, नकला माल, नकली चीज़ें बेचने का हम विरोध करते हैं। हम स्वच्छ व्यापारिक चीज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर जो बिल्कुल नकली माल जगह जगह आ रहा है, इसको रुकावट होनी चाहिए। हमारे व्यापार मंडल इन चीज़ को समर्थन नहीं करता है, स्वच्छ व्यापारिक प्रस्थान को चलता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य हमारा है, ये राज्य स्तर का संगठन है, इस वक्त बाकी बाहर से कोई मतलब नहीं है। देखो, अल्मोड़ा में हमारा संगठन पहले से चल रहा था, इस बार भी चुनाव होकर हमारा अच्छी टीम बनी हुई है। हम तो चाहते हैं कि पहाड़ में व्यवसाय बढ़े और उनकी जो समस्याएं, चाहे GST की समस्याएं और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। विशेष तौर से हम उपभोक्ताओं का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर व्यापारी, मैंने पहले भी बताया कि उपभोक्ता होता है। इससे एक दुकानदार दूसरी दुकान में सामान खरीदे, अगर नकली माल खरीदे, क्या फायदा होगा। इसलिए हम इन चीज़ का विरोध करते हैं, जबकि अन्य संगठनों से मेरा ऐसा कुछ विरोध नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे हो रही हैं, केवल अपने को बचाने के लिए, अपने काले धंधों को बचाने के लिए व्यापार मंडल चलते हैं, लेकिन हमारा व्यापार मंडल स्वच्छ काम करता है उत्तराखंड के अंदर। आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, मुझे तो उम्मीद है कि ये टीम बहुत अच्छी बनी है, अल्मोड़ा के अंदर भी अच्छा काम करेगी।